हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड और एक्सेल का सबसे यूजफुल ऑप्शन मेल मर्ज के बारे में, जो कि अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। बेसिकली यदि आपको बहुत सारे लोगों को लेटर भेजना है या कोई मेल करना है तो आप मेल मर्ज का यूज करके बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये छोटा सा लेटर टाइप किया है जो कि हमें इन लोगों को भेजना है इस एड्रेस पर, और ये उनका पिन कोड है। यदि हम इसे एक एक करके इस लेटर को टाइप करेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेल मर्ज। एग्जाम्पल के लिए हमने ये 10 नाम लिए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम मेल मर्ज के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे मेलिंग पर, उसके बाद हम स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करके यहाँ से हमें जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है उसी फॉर्मेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने एक इनविटेशन लेटर टाइप किया है इसलिए हम इस लेटर फॉर्मेट को ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें ये पूछ रहा है कि आपको नई लिस्ट टाइप करनी है या आप अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। हमने जो अभी 10 यूजर वाली इन्विटेशन की लिस्ट बनाई थी एक्सेल में, हम उसी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें यह शीट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो उस वर्कशीट में हमारी सिर्फ एक ही शीट थी तो हम इसी को सेलेक्टेड रहने देंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए, ओके पर क्लिक करते ही हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्सेल शीट में नेम, एड्रेस और पिन कोड का कॉलम था वो यहाँ पर अब दिखाई देने लगा है। अब हम यहाँ डियर के आगे अपने कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर के हम एक एक करके सारी फील्ड्स को एंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम फील्ड ले लेते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद हम एड्रेस फील्ड को भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, देन प्रेस एंटर, और उसके बाद हम वापस से पिन कोड को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो यह देखिए, तीनों ही फील्ड्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। हम चाहे तो हम इसका प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करके, तो हम यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। यह देखिए, एक्सेल में जो ये फर्स्ट वाली एंट्री है वो सेम टू सेम हमारे वर्ड फाइल में भी आ गई है। जैसे ही हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे ये हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाता रहेगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड राहुल खंडेलवाल, अक्षिता तिवारी, रचना सेठी, कनिष्क जैन, प्रिया चतुर्वेदी, इस तरीके से हमारे सारे नेम यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हम यहाँ फाइनली फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर देंगे। फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करते ही हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेज। अभी हमें यहाँ पर ये लेटर को प्रिंट करना है अलग अलग नेम से, तो हम यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अभी ऑल पर ही सेलेक्टेड रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें सारे ही लेटर प्रिंट करने हैं, तो ऑल पर क्लिक करके हम इसे ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया, हमें यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्शन के लिए ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ हम प्रिंटर सेलेक्ट करके अपना और यहाँ से प्रिंट दे देंगे। तो इस तरीके से आप भी मेल मर्ज को यूज करके अपने घंटों का काम मिनटों में पूरा कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।